जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता में बताया कि शासकीय आईटीआई परिसर में पांचों विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। ईवीएम मतगणना से पहले डाक मतपत्रों और ईटीपीबीएस की गणना प्रारंभ की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना केंद्र में मोबाइल फोन के साथ प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रधारी व्यक्ति पत्रकार एवं अधिकारी कर्मचारी ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे। कैमरे के साथ प्रवेश के लिए मीडिया कर्मी मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मतगणना के लिए विधानसभावार मतगणना कक्ष बनाए गए। विधानसभा महगांव का प्रथम तल, अटेर, भिंड, लहार और गौहद का भूतल पर मतगणना कक्ष बनाया गया है। विधानसभा क्षेत्र 9 अटेर के लिए ईवीएम की टेबल 21 और पोस्टल बैलेट टेबल 3 है। विधानसभा क्षेत्र 10 भिंड के लिए ईवीएम की टेबल 21 और पोस्टल बैलेट टेबल 5 है। विधानसभा क्षेत्र 11 लहार के लिए ईवीएम की टेबल 16 और पोस्टल बैलेट टेबल 3 है। विधानसभा क्षेत्र 12 महगांव के लिए ईवीएम की टेबल 18 और पोस्टल बैलेट टेबल 3 है और विधानसभा क्षेत्र 13 गौहद के लिए ईवीएम की टेबल 14 और पोस्टल बैलेट टेबल 2 लगाई गई। स्ट्रॉन्ग रूम भी है और महगांव का प्रथम तल पे बाकी सबका भूतल पे काउंटिंग हॉल बनाया गया है और इसके लिए 5 प्रवेश द्वार हैं आईटीआई के, आपने देखे होंगे। एक नंबर प्रवेश द्वार ऑब्जर्वर आरओ वरिष्ठ अधिकारियों के लिए रहेगा, 2 नंबर और 3 नंबर ये रहेंगे मतगणना कर्मियों के लिए, 4 और 5 कैंडिडेट्स के एजेंट्स और मीडिया कर्मियों के लिए रहेंगे। मीडिया कर्मियों के लिए 2 कक्ष निर्धारित किए गए जिसमें टीवी रहेगा, वहां पर आपके बैठने की व्यवस्था रहेगी और आपको 5-5 के बैच में 8 बजे से मतगणना आईटीआई जो लाहौर रोड भिंड में स्थित है उसमें प्रारंभ की जाएगी। इसमें सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट काउंट किए जाएंगे। पोस्टल बैलेट वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में एवं जो प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं डाक से वो लहार, महगांव और गोहद में स्टोर्ड हैं। ये सभी कल कैंडिडेट्स की निगरानी में आईटीआई स्थित पोस्टल बैलेट के स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे और उनकी निगरानी में ही इसे सील किया जाएगा। पोस्टल बैलेट के स्ट्रांग रूम को और ईवीएम के स्ट्रांग रूम को दिनांक 3 तारीख को 8 बजे के पूर्व जो समय नियत किया गया है विभिन्न रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने कैंडिडेट्स के साथ मिलकर उसमें खोला जाएगा। काउंटिंग सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट से प्रारंभ की जाएगी। 8 बजे से आधे घंटे तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चलेगी। यदि उस समय तक पूर्ण हो जाती है तो ईवीएम की काउंटिंग प्रारंभ की कर दी जाएगी। यदि उस समय तक पूर्ण नहीं की जाती है तो 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग भी प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ पर 5 प्रवेश द्वार हैं। प्रवेश द्वार क्रमांक 1 वरिष्ठ अधिकारियों ऑब्जर्वर इत्यादि के लिए रहेगा। प्रवेश द्वार क्रमांक 2-3 मतगणना कर्मचारियों के लिए रहेंगे और प्रवेश द्वार क्रमांक 4-5 ये मीडिया कर्मी कैंडिडेट और उनके एजेंट के लिए रहेंगे। जो विधानसभावार टेबल नियत की गई हैं उसमें भिंड में 21 टेबल ईवीएम की गणना के लिए हैं और 5 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए हैं। लहार में 16 टेबल ईवीएम की गणना के लिए हैं और 3 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए हैं। अटेर में 21 टेबल ईवीएम की गणना के लिए और 3 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए। महगांव में 18 टेबल ईवीएम की गणना के लिए और 3 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए और गोहद में 14 टेबल ईवीएम की गणना के लिए और 3 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए निर्धारित की गई हैं। जो काउंटिंग एजेंट हैं वो हमारे द्वारा जाली लगाई है गई है सुरक्षा के लिए, जिससे ईवीएम की सुरक्षा हो सके। जाली के बाहर से ये कार्य देखेंगे और पोस्टल बैलेट भी जाली के भीतर की गिनती की जाएगी। बाद में जो वीवीपैट की स्लिप गिनती की जाएगी, 5 प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी वीवीपैट गिनती की जाएगी, जिससे कि ये संतुष्टि हो सके कि वीवीपैट का परिणाम और ईवीएम का परिणाम एक सा है। ये 5 वीवीपैट प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी गणना भी एक विशेष रूप से बनाए गए पिंजरे के भीतर की जाएगी, जिससे कि वीवीपैट की स्लिप इधर उधर ना हो सके। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।